बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया हुआ है, जो 1.5 लाख का महात्मा ज्योतिबा फुले इंश्योरेंस था उसकी मर्यादा बढ़ाकर 5 लाख रुपए की है। और अभी ये आरोग्य योजना जो है, इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, ये पीले और केसरी रेशन कार्ड धारक तक सीमित नहीं रहेगी। ये योजना पूरे 12.5 करोड़ जनता जो है उनको लागू होगी। कोई भी उपचार से, मेडिकल फैसिलिटी से वंचित नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने लिया हुआ है। धन्यवाद। जो आज उद्योग की बैठक हुई है उसमें 40,000 करोड़ की लागत जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रस्ताव को मान्यता दे दी है, और उसमें 1,20,000 रोजगार उपलब्ध हो जाएंगे हमारे राज्य के जनता, राज्य सरकार में, हमारे राज्य में जितने युवा हैं इनके लिए बहुत ही राहत देने वाला ये निर्णय है। कई इंडस्ट्री आ रही है, बहुत बड़े पैमाने पे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है, स्किल मैन पावर है, यूज पोटेंशियल है, इसलिए लोग आ रहे। और मैं ये भी कहूँगा कि जैसे पिछले 2 साल में महाराष्ट्र 1 नंबर से नीचे आया था, अभी हमारी सरकार के 10-11 महीने में महाराष्ट्र फिर FDI में 1 पर पहुंच गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं केंद्र सरकार को भी धन्यवाद दूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो उनका सपोर्ट हमारी सरकार को बहुत ही मिल रहा है, और इसीलिए राज्य सरकार इंफ्रा प्रोजेक्ट पर बहुत काम कर रही है।